नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल थे। चार राज्यों के चुनाव प्रभारियों को बैठक में बुलाया गया था। अब बीजेपी का पूरा फोकस जो है इन चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। आपको बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बहुमत से बीजेपी सत्ता में दोबारा वापसी बीजेपी ने की है, उसके बाद अब फोकस बीजेपी का जो है इन चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे सभी प्रांतों में जहां चुनाव होने हैं वहां के चुनाव के प्रभारी और जो वहां संगठन के प्रभारी हैं इनकी बैठक की, और चुनाव का क्रम क्या रहने वाला है, किस क्या व्यवस्थाएं रखनी है, किस तरह से चुनाव को आगे तैयारियों की दृष्टि से आगे बढ़ना है, कार्यक्रम कौन कौन से लेने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम लगेंगे, कार्यकारी अध्यक्ष के कार्यक्रम लगेंगे, कौन किस किस सीटों में हमने क्या क्या रचनाएं करनी है, अपने मोर्चों के कार्यक्रम कैसे करने हैं, पार्टी के कार्यक्रम अलग से कैसे करने हैं, ये सब विषय पर चर्चा। चार राज्य जो हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इन चारों के चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया था जो बैठक में शामिल हुए हैं। मंथन हुआ है, पूछा गया है इनसे कि किस तरह की क्या रणनीति होनी चाहिए। अमित शाह, जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में शामिल थे। हरियाणा, महाराष्ट्र के बीजेपी चुनाव प्रभारी और झारखंड, दिल्ली के चुनाव प्रभारी भी बैठक में शामिल थे। विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है इस बैठक में। रणनीति तैयार की गई है कि कैसे इन चार राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जो है परचम लहराया जाए। जीत का परचम जब लहराएगा तो क्या रणनीति उसके पीछे होगी, इस पर आज फोकस किया गया है बीजेपी की अहम बैठक में।